पे तो उत्तर प्रदेश सरकार की पहले सुनवाई होगी, बिल्कुल दूसरा विषय है। वो बताएंगे कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या किया क्या नहीं किया, वो सारे फैक्ट देंगे, सारे तथ्य देंगे, पहले का अपना इतिहास बताएंगे उत्तर प्रदेश में क्या होता था, अब का हमने कैसे कंट्रोल किया, वो दंगों की लिस्ट देंगे, इतने दंगे पहले हो चुके थे हमसे पहले, फिर दंगे धीरे धीरे हमने किए, अब नो दंगा नो माफिया सब चंगा ही चंगा अभियोग। अतीक अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इसी मामले में योगी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और कहा है कि पहले हमें सुनिए, यानी दोनों मामले सुनने हैं। क्या होगा इस मामले पर? अतीक अहमद केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं वकील विशाल तिवारी, उनका कहना है कि जो 2017 से लेकर अब तक 183 मामले एनकाउंटर के हुए, उन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए, अतीक और अशरफ की भी जांच होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार भी पहुंची है, इस मामले में क्या लबालुबाब निकलेगा, क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और क्रिमिनल मामलों के माहिर वकील डॉक्टर एपी सिंह। तो साहब, ये जो मामले आए हैं, पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने कहा कि हमको भी सुनिए और ये मामला भी खुद सुप्रीम कोर्ट सुना, तो अब क्या रास्ता निकलेगा, क्या होगा? नहीं, कानूनी तरीका है, कानूनी रास्ता है कैबिनेट फाइल करने का। जब भी किसी को लगता है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे देश की कोई सरकार हो, चाहे एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो, कोई पिटिशन पर्सन भी हो, वो भी चाहता है कि उस मामले में उसे पहले सुना जाए, तब कुछ हो तो उसमें कैबिनेट डाली जाती है, कैबिनेट के बाद उसको भी जब नोटिस होता है तो उसमें होता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है, वकील जो है उनकी तिवारी जी की याचिका को, तो उत्तर प्रदेश सरकार को लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे खिलाफ कोई निर्णय दे दे। ये थोड़ा सा है, क्योंकि इस याचिका को जो लगाया गया है वो एक व्यक्तिगत तौर पर लगा, इसमें अतीक अहमद, उसके परिवार, उनकी पत्नी या 5 बेटे उनके या उनके भाई की पत्नी, जो और लोग हैं परिवार के, मतलब रिलेवेंट नहीं। पिटीशन जो है वो मतलब फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार, सुनवाई तो करेगी, सुनवाई शुरू करेगी, सुनवाई भी करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगेगी, वो सब कुछ करेगी, लेकिन एक इंटरेस्टेड पर्सन की बात होती है, कंसर्न्ड पर्सन, इस पर कोर्ट बहुत जोर देती है कि आप क्या हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, हु आर यू, आप कौन हैं, क्या हैं। अच्छा, जनहित का मामला, ठीक है, सुनेंगे। तो अगर कंसर्न्ड पर्सन होता तो और ज़्यादा मजबूत रहता। एक विषय, कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार की पहले सुनवाई होगी, बिल्कुल दूसरा विषय है। वो बताएंगे कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या किया क्या नहीं किया, वो सारे फैक्ट देंगे, सारे तथ्य देंगे, पहले का अपना इतिहास बताएंगे उत्तर प्रदेश में क्या होता था, अब का हमने कैसे कंट्रोल किया, वो दंगों की लिस्ट देंगे, इतने दंगे पहले हो चुके थे हमसे पहले, फिर दंगे धीरे धीरे हमने किए, अब नो दंगा नो माफिया सब चंगा ही चंगा, अब योगी जी ये कहते हैं। तो वो ये कैवियट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ये तथ्य रखेगी, अपने तथ्य रखेगी, जिस पर सवाल उठाया गया, एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं, तो ये चीजें हैं जो रखी जानी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और वैसे भी इस मामले के अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, असद की हत्या, असद तो चलो वांटेड था, असद तो भगोड़ा था, असद तो पुलिस एनकाउंटर, वो एक पक्ष फिर भी अलग हो जाता है, लेकिन अतीक अहमद और अशरफ की हत्या वो एक बिल्कुल अलग पक्ष हो जाता है। उस पर सुनवाई होगी और उसमें सारी चीज़ें आएंगी, सामने रखी जाएंगी कि किस तरह क्या कारण रहे, कौन थे वो, क्या लोग थे, उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी, वो लोग कौन करने वाले थे, हत्यारे कौन थे, कैसे कैसे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कंट्रोल की, कौन कौन पुलिस की, हमने क्या क्या पुलिस के साथ एक्शन लिया, पुलिस ने क्या उस पर कार्रवाई की, ये सब चीज़ें भी सामने आएंगी। उसमें ये भी रखा जाएगा कि हमने जो 183 एनकाउंटर की लिस्ट दी है 2017 से अब तक, तो उस पर भी अपना पक्ष रखा जाएगा। हाँ, तो बताया जाएगा कि वो फेयर है कि वो, अब उन पर 183 में से तो कोई आया नहीं, उन 183 के परिवार वालों का तो आया नहीं, सबसे कमजोर पक्ष तो यही है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, मजबूत पक्ष यही है, 183 में से कोई नहीं है, 183 में से ह्यूमन राइट कमीशन कितने लोग गए, 183 में से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कितने गए, 183 में से इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट हैं, दोनों बेंच हैं, काम कर रही हैं, देश की इतिहास का ऐतिहासिक हाईकोर्ट है अनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद, तो वहाँ कितने लोग गए, वहाँ क्या हुआ, यहाँ आने वाले सुप्रीम कोर्ट देश की बड़ी अदालत है, वहाँ कितने 183 में से लोग आए, क्यों नहीं आए, आए तो क्यों नहीं आए, परिवार क्या कह रहे हैं, उनके लोग क्या कह रहे हैं, उनके फैक्ट्स क्या हैं, उनके तथ्य क्या हैं, किस तरह के केस थे, उन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, कहाँ हत्या हुई, कौन कौन हत्या के लिए, क्या हत्या फेक एनकाउंटर थे, क्या असली एनकाउंटर थे,
क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगी। और ह्यूमन राइट कमीशन ने भी जो जांच की होगी, क्योंकि बड़ा साफ सा विषय है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष रहे, उनके संविधान में कहीं कोई कमी नहीं, किसी आर्टिकल में कोई अनुच्छेद बहुत हैं, लेकिन उनमें सब में साफ साफ है कि अगर पुलिस कस्टडी में या पुलिस के द्वारा कोई एनकाउंटर होता है, मारा जाता है, तो उसकी 24 घंटे के अंदर SP रिपोर्ट ह्यूमन राइट कमीशन। कल का दिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी, योगी आदित्यनाथ के लिए भी और अतीक अहमद केस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट देश के लिए भी है, देश का विषय है। कोई किसी की जनभावना अतीक अहमद से जुड़ी है, किसी की अति अशरफ से जुड़ी हुई है, किसी की मानी योगी जी से जुड़ी हुई है, किसी की उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, किसी की उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई है, कोई उत्तर प्रदेश पुलिस में दंगा चाहता था, कोई पुलिस में उत्तर प्रदेश को चंगा चाहता है, ये सारी चीज़ें भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सब लोगों की भावना है, सभी का देश में हिस्सा है, सभी की हिस्सेदारी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबका है, सभी विश्वास रखते हैं, 150 करोड़ लोगों का विश्वास माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रखना पड़ता है। अब इससे बड़ी तो कोर्ट है नहीं, इससे बड़ी तो अदालत है नहीं, यहां सुनवाई होगी और आप लोग जागरूक मीडिया है इस देश की, हर बात की तह तक जाती है, अपने कानों से सुनती है, घंटों पूरे दिन ID लगा के अपना स्टैंड लगा के यहां रखते हैं, गर्मी धूप पानी बरसा सब सहते हैं, तब इस देश की जनता को और दुनिया को सच्चाई से रूबरू कराते हैं, उन तक खबर पहुंचाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मजबूत पक्ष यह है कि उन्होंने कैसे दंगे नियंत्रण किए, कैसे दंगों पर कंट्रोल किया, क्या क्या योगी जी ने किया, अच्छाइयां भी हैं तो उसके साथ अच्छाइयां अधिक हैं या बुराइयां अधिक हैं, ये यहाँ पर ये भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले के सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर भी एक्टिव दिखाई दी कि पहले हमें सुना जाए, उत्तर प्रदेश ये भी अपने आप में एक अलर्टनेस है इनके खिलाफ। बड़ा राज्य है, दुनिया के कितने देशों की तो जनसंख्या, देशों छठा नंबर आता है दुनिया के, छठ देश, छठवां देश माना जाए तो छठवां देश माना जाए उत्तर प्रदेश को, तो छठवां देश है। तो सोचिए आप, दुनिया के उत्तर प्रदेश देश प्रदेश कितना बड़ा देश है, देशों की नज़र में अगर गिने तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और उसमें कैसे लैंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है और आगे क्या क्या करना है, कैसे योगी जी ने किया है, कैसे अखिलेश जी ने विरोध किया है, कैसे अखिलेश जी ने नियंत्रण किया है, कैसे अखिलेश जी के समय एनकाउंटर हुए, कैसे अखिलेश जी के समय दंगे हुए, ये सारी चीज़ें विषय आएगा। धन्यवाद वकील साहब। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि केविट का मतलब है उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले पर अपनी पक्ष रखना चाहती है, वो बताना चाहती है कि किस वजह से अशरफ और अतीत मारे गए, किस वजह से असद का एनकाउंटर हुआ और क्या क्या कारण रहे, तथ्य रहे, धरातल रहे 183 एनकाउंटर को लेकर, जिसकी जाँच की बात कही गई, मांग की गई वकील तिवारी के थ्रू। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।